हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बाकी अलग अलग टॉपिक्स को मैं यहां पर लेके आता रहता हूं। इसी सीरीज में एक नई सीरीज में लेकर आ रहा हूं एसपी बख्शी समरी। आप सभी इस किताब से भली भांति वाकिफ हैं, आप सभी लोगों ने इसकी तैयारी इसको पढ़ा है कभी ना कभी अपनी तैयारी के लिए। तो इस वीडियो सीरीज में हम इस किताब की वोकैबुलरी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो मैं सबसे पहले जिस चीज को शुरू कर रहा हूं वो है सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली चीज आप सभी को, दैट इज फ्रेजल वर्ब्स। आप में से बहुत सारे लोगों के, ज्यादातर लोगों की मुझे मैसेजेस आते हैं और ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि सर फ्रेजल वर्ब्स याद नहीं होते। कैसे इन्हें याद करें कि एग्जाम में जब फिल इन द ब्लैंक्स में ये सवाल पूछे जाए या फिर एरर डिटेक्शन में इससे रिलेटेड जब एरर आए तो हमारी गलती ना हो। इसी को मैं इस वीडियो में बात करूंगा। इसी फ्रेजल वर्ब्स को मैं आपको इस वीडियो में ऐसे याद करवाऊंगा कि अगर आपने ये वीडियो एक बार एंड तक देख ली तो आपको जितनी फ्रेजल वर्ब्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स आपको याद हो जाएंगी। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा और अगर यहां तक चले आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में मैं इस पर बात नहीं करने वाला हूं। और वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर वीडियो देख रहे हो कमेंट में अटेंडेड जरूर लिखना, जिससे मुझे पता लगे कि आप में से ज्यादातर लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप पसंद कर रहे हैं। तो शुरू करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। बिफोर आई स्टार्ट, आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में बता दूं। अनअकैडमी पर मेरी डेली दो फ्री क्लासेस होती हैं आपकी, एक दोपहर के 1 बजे होती है, एक शाम के 5 बजे होती है। दोपहर वाली में हम रीजनिंग पढ़ते हैं, शाम वाली में हम इंग्लिश पढ़ते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस हैं, जैसे टीम फोनिक्स बैच, सीटी ब्रह्मास्त्र बैच, सिलेक्शन बैच, सफलता बैच और भी बहुत सारे बैचेस हैं अलग अलग एग्जाम के लिए। आप सभी में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, AMANT। ये मेरा रेफरल कोड है जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा मेरे अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। अगर आपका कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू डिस्काउंट और एनीथिंग तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 8299117042 पे, वहां पे मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जल्दी ही कॉस्ट बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ आपके पास अनअकैडमी पर एप्पल आईपैड, एप्पल एयरपॉड्स या फिर JBL के स्पीकर्स जीतने के साथ साथ अमेज़न के बहुत सारे वाउचर्स जीतने का ऑफर है। अगर आप 4 जुलाई को होने वाले कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें अगर top 3 या टॉप रैंक लाते हैं, इसमें एनरोल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए इन चीजों में। साथ ही साथ अगर टेलीग्राम पे नहीं है आप तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं आपको डेली रील्स के माध्यम से वोकैबुलरी के 1-2 शब्द याद कराने की कोशिश करता हूं, तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी हो जाता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रखे हैं तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आप सर्च करके फॉलो करना चाहते हैं तो @AmanTrivedi में लगाएंगे तो आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। देखिए शुरू करते हैं आज हम फ्रेजल वर्ब से। तो पहला फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है? पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन द रीजन फॉर, आंसरेबल फॉर। हिंदी में इसका अर्थ हो जाता है किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होना, ठीक है। आप अकाउंटेबल हैं इसके लिए, आप जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो अगर किसी कार्य के लिए आप उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, तो उसके लिए कहा जाता है ही इज अकाउंटेबल फॉर दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आर नॉन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज अकाउंटेबल फॉर सेकेंड वेव ऑफ COVID-19। जो हमारा एक नॉन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, मास्क ना पहनना, भीड़ में जाना, शादियों में जाना, जगह जगह भीड़ लगाना, ये जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करना, ये जो हमारा नॉन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दैट वॉज अकाउंटेबल फॉर द रीजन, दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल, दैट वॉज अकाउंटेबल फॉर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड।
फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली वॉज द कैप्टन इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो विराट कोहली इज अकाउंटेबल फॉर द लॉस इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि वो ही जिम्मेदार हैं। तो जो जिम्मेदार है, उत्तरदायी होता है, उसे कहते हैं अकाउंटेबल फॉर। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, अकाउंट फॉर का मतलब होता है के लिए उत्तरदायी होना। एग्जाम्पल हो जाएगा, आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर, उसका जो इस मैटर में, इस बारे में जो अनयूजुअल बिहेवियर है, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। अब देखिए इसको और आप कैसे याद रख सकते हैं, अगर अभी तक भी याद नहीं हुआ है तो आपको ये वासेपुर का ये सीन जरूर याद होगा। देखो यार, जो लोग मेरे से पढ़ते हैं, अगर वासेपुर नहीं देखी है तो भाई पार्ट वन पार्ट टू यूट्यूब पे फ्री में पढ़ें, जरूर देख लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज में बहुत जगह पे मैं इसका रेफरेंस देने वाला हूं। तो अकाउंटेबल फॉर का मतलब क्या होता है, तो ये सीन अगर आपको याद हो, इसमें जो रामाधीर सिंह है, इनके विधायक जी जो जेपी यादव है, इनको पीट रहे होते हैं और कहते हैं इनकी जेपी यादव की मां से, यानी कि अपनी वाइफ से, कि तुम बीच में ना आओ मालकिन, तुम ही जनी हो इस कपूत को, यू आर अकाउंटेबल फॉर हिज स्टुपिडिटी, यानी तुम ही इसकी मूर्खताओं के लिए उत्तरदायी हो, जिम्मेदार हो। ठीक है, तो अकाउंटेबल फॉर या फिर आपका अकाउंटेबल फॉर या अकाउंट फॉर मतलब हो जाता है किसी के लिए जिम्मेदार होना। तो जैसे कि इसमें जो इनकी जेपी यादव की वाइफ माँ होती हैं, यही अकाउंटेबल हैं इनकी मूर्खताओं के लिए। तो अकाउंट फॉर या अकाउंटेबल फॉर अब याद रखेंगे, इसके साथ में अगर अकाउंट के साथ फॉर आता है, इसका मतलब होता है जिम्मेदार होना, उत्तरदायी होना। आई थिंक इतना बताने के बाद आपको याद रहेगा। देखिए ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग, द कॉज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर स्ट्रेंज बिहेवियर। समझ गए, आ गया होगा अगला क्वेश्चन। Ask after, ask after का मतलब क्या होता है, ask after का मतलब होता है किसी का हाल चाल लेना, किसी के बारे में पूछना, inquire करना। तो किसी के ठीक ठाक होने के बारे में पूछना क्या कहलाता है, ask after, he was asking after you, यानी कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। आप कहीं जाते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं गए तो वहां जाने, अगर वो आपके रिलेटिव है तो पूछेंगे और शर्मा जी कैसे हैं, तिवारी जी कैसे हैं, तो आप क्या कहते हैं, तो what is he doing? He is asking after तिवारी जी। समझ गए? I met your brother at the party. He asked after you. मैं तुम्हारे भाई से मिला था पार्टी में। He asked after you, यानी कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो ask after का मतलब होता है किसी के बारे में पूछना, हाल चाल पूछना, या किसी भी तरीके से किसी के बारे में पूछना क्या कहलाता है, ask after। तो जैसे कि इस सीन में लालू जी पूछ रहे हैं कैसन बा, तो कैसन बा को हम अंग्रेजी में क्या कह देंगे, आस्क आफ्टर। लालू जी आस्क आफ्टर यू, यानी कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तो आस्क आफ्टर मतलब किसी के बारे में पूछना। ठीक, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला वर्ड हमारा क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज की रिक्वेस्ट करना या कुछ मांगना, क्या कहलाता है, आस्क फॉर। ठीक है, आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर समथिंग या फिर कुछ मांगना। तो शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि उसने एक ग्लास पानी मांगा। तो आस्क फॉर का मतलब हो गया किसी चीज की रिक्वेस्ट करना, कुछ मांगना, क्या कहलाता है, आस्क फॉर। ठीक, तो जैसे आपको ये याद होगा, ये गाना सुना होगा सभी ने, तेनू लहना मैनू लहंगा तू मंगवा दे, तो व्हाट इज शी डूइंग, शी इज आस्किंग फॉर लहंगा इन दिस सॉन्ग, यानी कि शी इज रिक्वेस्टिंग फॉर अ न्यू लहंगा इन दिस सॉन्ग। सभी लोगों ने ये गाना देख ही रखा होगा। तो आस्क फॉर मतलब हो जाता है आस्क फॉर मतलब होता है किसी चीज को मांगना, रिक्वेस्ट करना, क्या कहलाता है, आस्क फॉर। समझ है, याद रहेगा, आस्क फॉर मतलब किसी चीज को मांगना। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो होता है हमारा आपका बैकआउट करना। बैकआउट का मतलब हो जाता है किसी चीज से पीछे हटना। बैकआउट, बैकआउट मतलब होता है गो बैक ऑन या विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस, किसी प्रॉमिस से पीछे हटना या किसी बात से पीछे जाना, क्या कहलाता है, बैकआउट। तो अपनी बात से फिर जाना मतलब बैकआउट कर जाना। ठीक है, For example, he agrees to help but backed out at the last moment. He agreed, कर लीजिए, past में होगा, he agreed to help
बट बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि उस वो एग्री हुआ मदद करने के लिए लेकिन आखिरी मोमेंट पर पीछे हट गया। तो बैक आउट मतलब हो जाता है गो बैक ऑन या विदड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको याद होगा ही बैक आउट फ्रॉम हिज वर्ड्स, तो आपको ये अच्छे से मालूम होगा यानी अपनी बात से पीछे हटना, सो दैट इज कॉल्ड बैक्ड आउट। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे नेता आपको वादा करते हैं कि इतने लाख देंगे उतने लाख देंगे, तो दैट अपनी बात से पीछे हटना क्या होता है, बैक आउट करना। ठीक, ऑलराइट, नेक्स्ट आपका है, आपका वर्ड जो है वो होता है बी इन फॉर। देखिए यहां पर जो वर्ड बी है, बी का मतलब होता है वर्ब, और ये वर्ब आपकी बी की कई सारी फॉर्म होती हैं जैसे इज एम आर या फिर वॉज वर। तो बी इन फॉर मतलब होता है आपका अबाउट टू टेक प्लेस समथिंग अनप्लीजेंट, इज कॉल्ड बी इन फॉर। तो किसी में पढ़ने वाला होना, यानी कि किसी मुसीबत में पढ़ने वाला होने के लिए आता है बी इन फॉर। सो ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स ही इज इन फॉर ट्रबल, यानी कि अपनी गलत आदतों के कारण ही इज इन फॉर ट्रबल, यानी कि वो बहुत ही जल्द समस्या में पड़ने वाला है। तो टू बी इन फॉर मतलब होता है किसी मुसीबत में, किसी गलत परिस्थिति में पड़ने वाला होना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको याद होगा ये सीन में जब रामाधीर सिंह जेपी यादव से कहते हैं, जेपी सिंह से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लक्षण हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, द वे यू आर वर्किंग यू आर इन फॉर आर ट्रबल, जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो तुम बहुत जल्द किसी मुसीबत में पड़ने वाले हो। तो बी इन फॉर मतलब होता है किसी समस्या में पड़ने वाला होना। ठीक, अगला टर्म, अगला टर्म जो होता है वो होता है बियर अवे। बियर अवे का मतलब बहुत सिंपल है, बियर अवे का मतलब होता है विजयी होना, विन, जीतना। तो जीत हासिल करना किसी चीज को कहलाता है बियर अवे। ठीक, सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन, सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन, यानी सुहानी ने डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता। तो बियर अवे का मतलब होता है जीतना। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड बोर अवे द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती। तो बियर अवे का मतलब बहुत सिंपल है, जीतना किसी चीज को। ठीक, पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अगला टर्म जो होता है वो होता है हमारा बियर ऑन या फिर बियर अपॉन। अब यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बियर के साथ ऑन भी आ सकता है और बियर के साथ अपॉन भी आ सकता है, दोनों ही प्रीपोजिशंस आ सकती हैं। ठीक, मीनिंग हो जाता है रेलेवेंट होना। ठीक है, जैसे इट डज नॉट बियर ऑन दिस या इट डज नॉट बियर अपॉन दिस, मतलब रेलेवेंट नहीं है। तो किसी भी तरीके से रेलेवेंट होना बियर ऑन या बियर अपॉन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम, तुम्हारे जो रिमार्क्स हैं उनका मुख्य प्रॉब्लम से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी उनसे कनेक्शन नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड बियर ऑन। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कोई सेंस है इस बात का, तो कोई कनेक्शन है, कोई रेलेवेंस है इस बात का, डज इट बियर ऑन एनी वे, क्या किसी भी तरीके से रेलेवेंट है, तो उसे आप ध्यान रख सकते हैं। बियर ऑन या बियर अपॉन का मतलब होता है रेलेवेंट होना, होना किसी भी प्रकार से। अगला जो हमारा टर्म होता है वो होता है बियर आउट। बियर आउट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट या फिर कोलैबोरेट। ठीक है, किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना या कोलैबोरेट करना, ठीक है, समर्थन करना क्या कहलाता है, बियर आउट। ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम श्योर माई क्लासमेट्स विल बियर आउट माई स्टेटमेंट, मैं बहुत पूरी तरीके से श्योर हूं कि मेरे क्लासमेट्स मेरे स्टेटमेंट का समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो बियर आउट का मतलब होता है समर्थन करना या फिर सपोर्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नो वन विल बियर यू आउट, बियर आउट यू यानी कि कोई भी तुम्हें समर्थन नहीं करेगा, मैं लिख के देता हूं कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, तो नो वन विल बियर आउट यू मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो बियर आउट का मतलब हो जाता है सपोर्ट करना, किसी को समर्थन करना, क्या कहलाता है, बियर आउट। ठीक, तो बियर आउट याद रखेंगे मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना मतलब हो गया किसी को सपोर्ट करना। ठीक, अगली बात हो जाती है आपकी, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा बियर विद। बियर विद का मतलब क्या होता है, टू शो पेशेंस,
कॉपरेट करना, सहना, ठीक है, यू विल हैव टू बियर विद मी, तुम्हें मेरे साथ सहना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा. इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी द शेयर होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू बियर विद, यानी कि कंपनी ने जो हैवी लॉस किए हैं उनके व्यू में हम शेयर धारकों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी थोड़ा सा सहन करें. ठीक है, सो बियर विद का मतलब होता है टू शो पेशेंस, धैर्य दिखाना या सपोर्ट करना, कॉपरेट करना, सहना. ठीक, तो सिनोनिम्स क्या होते हैं, इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, सह लेंगे थोड़ा तो आई विल बियर विद. ठीक है, तो याद रख सकते हो इसको बहुत आसानी से, बियर विद मतलब हो जाता है सह लेंगे थोड़ा, थोड़ा सहना. अगला टर्म होता है हमारा ब्लो आउट. अब ब्लो आउट, देखो ये टर्म जो है कंफ्यूजिंग लगता है, क्यों लगता है, ब्लो आउट से आपके दिमाग में क्या आता है, किसी चीज को एक्सप्लोड कर देना, तो वो ब्लो आउट नहीं है. ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना, ठीक है, एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, क्या कहलाता है, ब्लो आउट. ठीक, तो किसी चीज को बुझाने के लिए जो टर्म आता है वो आता है ब्लो आउट, कैंडल्स बुझाना है, किसी भी चीज को बुझाना. सो द कैंडल ब्लू आउट एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन, कैंडल्स बुझ गई, जैसे कि गस्ट मतलब होता है समीर, तेज हवा का झोंका, अचानक से तेज हवा का झोंका आना, दैट इज कॉल्ड गस्ट. तो जैसे ही तेज हवा का झोंका आया कैंडल्स बुझ गई, तो ब्लो आउट मतलब हो जाता है बुझाना. ठीक है, तो ये गाना आपने सुना होगा, बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है, ये दूसरा गाना है शायद, ये दूसरा गाना है. तो ब्लो आउट द लाइट्स, बत्तियां बुझा दो मतलब ब्लो आउट द लाइट्स, सिंपल है, याद रखेंगे इसको. नेक्स्ट, अगला टर्म होता है हमारा, बत्तियां मोमबत्ती बुझाने के लिए भी ब्लो आउट आएगा. अब देखो ये वो है जो आप सोच रहे थे, ब्लो ओवर. ब्लो ओवर का मतलब होता है एक्सप्लोड करना. ठीक, तो पास ऑफ विदाउट हार्म या फिर कम टू एन एंड इज कॉल्ड आपका ब्लो ओवर. ठीक है, दो अर्थ हो गए, एक तो हो गया, नहीं ये भी वो नहीं है जो आप सोच रहे थे. ब्लो ओवर का मतलब हो जाता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गुजर जाना, या फिर किसी चीज को अंत तक आ जाने के लिए आता है ब्लो ओवर. ठीक, उड़ा देना है, खत्म हो जाना. सो डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, चिंता मत करो, क्राइसिस जल्दी ही अपने आप गुजर जाएगी, पास हो जाएगी. तो ब्लो ओवर का मतलब हो जाता है पास ऑफ विदाउट हार्म, बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाना. ठीक, तो जैसे आईसीएमआर ने आज ही कहा है दैट सेड दैट थर्ड वेव माइट ब्लो ओवर विदाउट मच हार्म, यानी कि थर्ड वेव जो कोविड की है वो हो सकता है कि गुजर जाए बिना बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए. तो ब्लो ओवर मतलब होता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गुजर जाना, पास हो जाना. ठीक, याद रखेंगे ब्लो ओवर का मतलब, दो, एक हुआ ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब मोमबत्तियां बुझाना, बत्तियां बुझाना, और ब्लो ओवर मतलब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गुजर जाना. अब अगला टर्म जो आता है वो आता है हमारा ब्लो अप. ब्लो अप का मतलब क्या होता है, ब्लो अप का मतलब हो जाता है आपका एक्सप्लोड करना या फिर स्टार्ट सडनली, दो अर्थ हो गए. ब्लो अप का मतलब होता है आपका, एक हुआ ब्लो आउट मतलब बुझाना, ब्लो ओवर बिना नुकसान पहुंचाए पार हो जाना, और ब्लो अप मतलब हो जाता है एक्सप्लोड करना, फटना, जो हम बात कर रहे थे जैसे, तो विस्फोट होना या गुस्सा करना. द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाई ओवर वॉज फॉइल्ड, मतलब विफल कर देना, फॉइल मतलब विफल कर देना, बाय द पुलिस. एनिमी को, जो एनिमी का जो प्लान था कि वो ब्रिज को, फ्लाईओवर को उड़ा देगा, वो पुलिस ने विफल कर दिया. तो ब्लो अप का मतलब हो जाता है आपका किसी चीज को उड़ाना या फिर आपका एक्सप्लोड करना. ठीक है, तो बड़ा आसानी से आप इसे याद रख सकते हो, ब्लो अप मतलब हो जाता है बूम, फट जाना. जैसे एक कार जो थी आपकी धमाल फिल्म में, याद होगा ये कार जो है ब्लो अप हो जाती है, फट जाती है, राइट. अगला है आपका ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन के दो अर्थ होते हैं. एक अर्थ होता है ब्रेक डाउन का इमोशनल कोलैप्स होना, किसी का अचानक से फूट फूट के रोने लगना, ब्लो अप, ब्रेक डाउन कहलाता है. और दूसरा अर्थ होता है स्टॉप फंक्शनिंग, किसी चीज का कार्य करना बंद कर देना, मैकेनिकल फेलियर होने के लिए भी आता है ब्रेक डाउन. ठीक है, तो ब्रेक डाउन मतलब हो जाता है हिम्मत हार जाना या ध्वस्त होना, किसी चीज का टूटना या किसी का इमोशनली ब्रेक डाउन होना, ये अर्थ होते हैं. सो व्हाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रोक डाउन, कोर्ट में एविडेंस देते वक्त वह फूट फूट कर रोने लगी, पूरी तरीके से वो ब्रेक डाउन हो गई, इमोशनल बर्स्ट हो गया उसका. तो मोदी जी ब्रोक डाउन व्हाइल गिविंग स्पीच इन पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में वो स्पीच दे रहे थे तो ही ब्रोक डाउन, वो रोने लगे. ठीक है, अभी हाल में वो टीवी पे भी रोए थे.
इसके अलावा जैसे ये कार किसी की खराब हो जाती है तो उसके लिए आता है हिज कार ब्रोक डाउन, यानी कि कार जो है वो ब्रेक डाउन हो गया उसमें, यानी कि मैकेनिकल फेलियर हो गया। ठीक, अगला टर्म होता है हमारा, अगला जो वर्ड है वो है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का अर्थ होता है आपका कहीं पर बिना किसी एंटर बाय फोर्स, बिना परमिशन के कहीं पर जबरदस्ती घुसने के लिए जो टर्म आता है वो आता है ब्रेक इनटू। ठीक है, तो बर्गलरी करना मतलब आपका किसी जबरदस्ती कहीं पर घुस जाना। सो द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, कल पिछली रात में रॉबर जो है वो उनके घर में जबरदस्ती घुस गया। ठीक है, तो ब्रेक इनटू मतलब हो जाता है किसी दीवार तोड़ वगैरह की जबरदस्ती घुस जाना कहीं पे। तो जैसे मनी हाइस्ट आप सभी लोगों को अच्छे से याद है, इसमें क्या होते हैं, रॉबर्स ब्रोक इनटू रॉयल मिंट इन मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट फिल्म में जो जो आपके लुटेरे होते हैं ये लोग मनी जो रॉयल मिंट होता है उसमें वो ब्रेक इनटू कर जाते हैं, जबरदस्ती घुस जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका ब्रोक इनटू। अगला टर्म होता है हमारा ब्रेक ऑफ। तो ब्रेक ऑफ का अर्थ क्या होता है, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू कम टू एन एंड या फिर अनसक्सेसफुली। ये अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, किसी चीज का एंड में आना अनसक्सेसफुली, खत्म होना क्या कहलाता है, ब्रेक ऑफ। जैसे कि अर्थ होता है द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ, भारत और चाइना या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था दैट ब्रोक ऑफ, यानी कि दैट वॉज अनसक्सेसफुल एंड दैट केम टू एन एंड। वो अनसक्सेसफुल भी रहा साथ ही साथ वो एंड पे भी आ गया, तो उसके लिए आता है ब्रेक ऑफ। तो ब्रेक ऑफ का मतलब होता है आपका किसी चीज का एंड में आना और अनसक्सेसफुल होना, क्या कहलाता है, ब्रेक ऑफ। ठीक है, सो द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ, यानी कि वो अनसक्सेसफुल भी हुई और आपकी उनका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला और वो बंद भी हो गए। अगला होता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट देखिए क्या होता है, किसी चीज का फैलना, स्प्रेड होना अचानक से, that can be of war, that can be of epidemic, that can be of fire, that can be of riots, यानी कि युद्ध, epidemic यानी महामारी, आग या फिर दंगों का फैलना, भड़कना, क्या कहलाता है, breakout। जैसे fire broke out in a building, यानी कि building में बहुत तेजी से आग लग गई। War broke out between Philistine and Israel, तो Israel और फिलिस्तीन के बीच में war शुरू हो गया। ठीक, कोरोना वायरस ब्रोक आउट, यानी कि कोरोना वायरस एपिडेमिक फैल गया। ठीक है, रायट्स ब्रोक आउट इन गुजरात, यानी गुजरात में दंगे भड़क गए, तो उस सेंस में आता है ब्रेकआउट। सो द फियर दैट एड्स हैज ब्रोक आउट इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड। ठीक है, यानी कि ये जो डर कि एड्स भारत में फैल चुका है दैट इज नॉट अनफाउंडेड, वो सभी को पता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस ब्रोक आउट वर्ल्ड वाइड जो है कोरोना वायरस फैल गया। तो मैंने आपको सारे एग्जांपल दे दिए, ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज का फैलना। ठीक, अगला टर्म होता है हमारा ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कहीं पर कोई कामयाबी मिलना। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट्स गॉट अ ब्रेक थ्रू इन द क्योर ऑफ कैंसर, साइंटिस्ट्स को कैंसर के क्योर में उन्हें एक ब्रेक थ्रू हाथ लगा, एक उपलब्धि हाथ लगी। तो डिस्कवर अ सीक्रेट मेजर अचीवमेंट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू, नई महत्वपूर्ण खोज करना क्या कहलाता है, ब्रेक थ्रू मिलना। सो देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस, मर्डर केस में किसी भी प्रकार का ब्रेक थ्रू मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवर अ सीक्रेट या फिर मेजर अचीवमेंट मिलना। ठीक है, तो जैसे अब इस फैमिली मैन सीजन 2 में चेल्लम सर हेल्प श्रीकांत इन गेटिंग ब्रेक थ्रू इन फैमिली मैन सीजन 2। तो चेल्लम सर जो है बार बार उसे मदद कर रहे थे एक नई महत्वपूर्ण खोज के लिए, ब्रेक थ्रू मिलने के लिए। जरूरी नहीं है वो आपका एक कोई महत्वपूर्ण खोज है, किसी भी आप मान लीजिए काम को कर रहे हो, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसमें आपको कोई क्लू मिल जाता है, तो पहला ब्रेक थ्रू मिला, यानी पहला हमें एक उपलब्धि मिली, पहला हमें उसमें सफलता मिली, दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू मिलना। ठीक है, साइंटिस्ट गॉट अ ब्रेक थ्रू इन द डिस्कवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो उसमें ब्रेक थ्रू मिलना यानी कहीं पे सफलता मिलना। अगला टर्म होता है हमारा ब्रेकअप। तो ये सबको पता है, ये जग जाहिर चीजें हैं, आजकल खूब हो ही रहे हैं। तो टर्मिनेट होना, इसके दो अर्थ हैं, एक ब्रेकअप का अर्थ होता है टर्मिनेट करना मीटिंग, स्कूल या सेशन, उस सेंस में भी आता है, बाकी तुम जिस तरीके से सोच रहे हो वो भी होता है। द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन, यानी कि अगले महीने अगले हफ्ते से कॉलेज जो है समर वेकेशन के लिए बंद हो रहा है, तो उस सेंस में भी आता है ब्रेकअप। बाकी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे साथ किया वो भी ब्रेकअप ही होता है। ठीक,
अब ब्रेकअप के साथ में ब्रेकअप विद भी आता है, तो ब्रेकअप विद का मतलब हो जाता है किसी से झगड़ा होना या किसी से संबंध तोड़ना, दोनों ही अर्थ हैं इसके। तो किसी से झगड़ा होना, जैसे आपका आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप द टू फ्रेंड्स ब्रोक अप विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे से झगड़ा हो गया या उनका ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप विद का मतलब होता है किसी से रिलेशनशिप तोड़ना, ब्रेकअप का मतलब भी रिलेशनशिप तोड़ना, ब्रेकअप विद भी है, दोनों आप याद रखेंगे, लगभग सेम अर्थ है, ब्रेकअप विद का मतलब झगड़ा है। लेकिन ब्रेकअप का अर्थ एक ये भी है कि किसी स्कूल कॉलेज मीटिंग वगैरह का टर्मिनेट होना, तो उस सेंस में भी आ सकता है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्रिंग अबाउट क्या होता है? ब्रिंग अबाउट का अर्थ होता है आपका कॉज टू हैपन, ठीक है, किसी चीज का कारण होना, होने का, ठीक है। सो द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्ड टू ब्रिंग अबाउट अ पीसफुल सेटलमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद की किस पीसफुल सेटलमेंट को करने में। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चेंज को होने के लिए जो कारण होना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग अबाउट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी स्क्रैप्ड आर्टिकल 370 टू ब्रिंग अबाउट पीसफुल सेटलमेंट इन JNK। मोदी जी ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया, खत्म किया, जिससे कि वो JNK में पीसफुल सेटलमेंट कर सके। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब हो जाता है कॉज टू हैपन, किसी चीज को करने का कारण होना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोदी जी ने ऐसा किया, या बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, इंडिया चेंज्ड इट्स कोच टू ब्रिंग अबाउट सम पॉजिटिव, टू ब्रिंग अबाउट सम ट्रॉफीज इन फ्यूचर। तो ब्रिंग अबाउट मतलब किसी चीज को होने का कारण होना, क्या कहलाता है? ब्रिंग अबाउट, ठीक, याद रखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आशा करते हैं जितना पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई शब्द नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगले वीडियो में मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगले वीडियो में जब हम शुरू करेंगे तो इसके क्विक रिविजन भी कर लेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर इसका PDF कल आपको मिल जाएगा। आज आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। कोई भी सवाल है आप कमेंट्स में जरूर कमेंट कीजिए, जैसा मैंने बताया, अगर कमेंट वीडियो देखा है तो अटेंडेड जरूर करिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर यहाँ तक आ गए हो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। इस पूरी सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगा इस चैनल पे, पूरे फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको इसी तरीके से मैं समझाऊंगा, और आई विल मेक श्योर दैट आपको ये सारे शब्द याद हों। एक बार ये फ्रेजल वर्ब्स हमारे कंप्लीट हुए तो बाकी की सीरीज भी मैं लेकर आता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, और इंस्टाग्राम पे दोस्तों फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपके लिए रील्स के माध्यम से वोकैबुलरी लेकर आता रहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी अपना हेलो भेजिए, आप अपनी बात को कहिए, और वहां से आप सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।